हेलो बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में पोलेन ग्रेन के रिगार्ड बात किया था। पोलेन ग्रेन का जो एग्जाइन वाला पार्ट है फर्दर डिवाइड किया हुआ था एक्टेक्साइन और इंडेक्साइन में, है ना। एक्टेक्साइन में तीन अलग अलग लेयर था, टेक्टम, बेकुलर, फुट लेयर, यह सब देखने की ज़रूरत नहीं है। बट ये जो स्पोरोपोलिनिन का रोल है, ये जो एक्साइन वाला पार्ट है, एक्साइन में एक्टेक्साइन और एक्टेक्साइन में टेक्टम वाला पार्ट है, स्कल्पचर का फॉर्मेशन, स्कल्पचरिंग हो रहा था, ये किसके थ्रू हो रहा था? स्पोरोपोलिनिन के थ्रू ये स्कल्पचरिंग हो रहा था, किसमें? ओवर द पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन के एक्साइन वाला वाल में इस तरह से स्कल्पचरिंग हो रहा था, अलग अलग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा था। और ये स्पोरोपोलिनिन का सेक्रेशन किसके थ्रू हो रहा था? टेपेटम के थ्रू हो रहा था। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा था, पोलेन ग्रेन, इंटाइन, एक्जाइन, अंदर वाला लेयर, बाहर वाला लेयर, है ना। और जहाँ पे ये एक्जाइन अपसेंट है, जम्पोर बोलते थे, यहाँ पे स्पोरोपोलेनिन क्या होगा? अपसेंट होगा, है ना। डाइकोट में, मोनोकोट में, ये जो स्पोरोपोलेनिन अपसेंट होगा, जम्पोर होंगे, ये डाइकोट में सर्कुलर फॉर्म में होंगे, उसको जम्पोर बोलेंगे। मोनोकोट में लेंस शेप्ड होंगे, जर्माइनल फोरोज बोलते हैं, है ना। तो ये जो जम्पोर होते हैं, एक, दो, तीन, जनरली तीन होते हैं, तो ट्राइकोल्पेट बोलते हैं। और मोनोकोट में सिंगल होता है ये जम्पोर, जिसको हम लोग जर्माइनल फोरोज बोलते हैं, मोनोकोल्पेट बोलते हैं, है ना। सिंगल होता है तो मोनोकोल्पेट होता है। ये सारी स्ट्रक्चर को हम लोगों ने मेंशन किया था, ये सारे स्ट्रक्चर। ओके, आज के क्लास में फर्दर यहाँ पे इस तरह से स्कल्पचर को देख रहे थे, इंटाइन एक्साइन देख रहे थे, मोनोकोल्पेट और डाइकोल्पेट, ट्राइकोल्पेट को मेंशन किया था। आज के क्लास में यहाँ पे मेगा स्पोरोजेनेसिस होती है। मेगा स्पोरोजेनेसिस में ओनली लीनियर टेट्राड फॉर्मेशन होता है। एक पॉइंट यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन करना था, इसके नीचे स्कल्पचरिंग के नीचे, स्कल्पचरिंग थ्रू स्पोरोपोलेनिन एंड और स्पोरोपोलेनिन फॉर्म बिकॉज ऑफ टेपेटम। इसके नीचे एक पॉइंट हम लोग को मेंशन करना था, इन स्पोरो मेगा स्पोरोजेनेसिस देयर इज ओनली वन, देयर इज ओनली, देयर इज ओनली लीनियर टेट्राड फॉर्म। यहाँ पे सिर्फ लीनियर टेट्राड का फॉर्मेशन होगा, यह बातों को ध्यान में रखना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे पोलेन वियबिलिटी, पोलेन वियबिलिटी। पोलेन कितने टाइम तक फंक्शनल रह सकता है, उसको बोलते हैं पोलेन वियबिलिटी। तो सबसे पहले पोलेन के रिगार्ड अगर बात करें, तो पोलेन के रिगार्ड बात करेंगे, दो बातें होंगी, एक तो पोलेन का वियबिलिटी और पोलेन को कैसे हम लोग प्रिजर्व करते हैं, है ना। एक तो वियबिलिटी होगा, पोलेन वियबिलिटी, और दूसरा जो होगा पोलेन प्रिजर्वेशन, पोलेन प्रिजर्वेशन। पोलेन वियबिलिटी की बात करेंगे, क्या होता है? टाइम पीरियड होता है फॉर विच पोलेन ग्रेन रिमेन फंक्शनल। लिख लेते हैं, टाइम पीरियड फॉर विच पोलेन ग्रेन, फॉर विच पोलेन ग्रेन रिमेन्स फंक्शनल, है ना। कब तक पोलेन ग्रेन फंक्शनल रहता है, उस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं? वियबिलिटी बोलते हैं, पोलेन वियबिलिटी। क्या बोलते हैं? पोलेन वियबिलिटी बोलते हैं, क्लियर।
प्रिजर्वेशन, दूसरा पोलन प्रिजर्वेशन। यहाँ पे पोलन को लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड में प्रिजर्व किया जाता है, इसको बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या बोलते हैं? प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन। लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड में क्रायो प्रिजर्वेशन इन लिक्विड नाइट्रोजन, इन लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन में इसको प्रिजर्व किया जाता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड, -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको क्या किया जाता है? प्रिजर्व किया जाता है, इसको बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। ओके, क्रायो प्रिजर्वेशन। और ये जो क्रायो प्रिजर्वेशन किया जाता है, जैसे ब्लड बैंक होती है वैसे पोलन बैंक होता है, इन द पोलन बैंक, है ना, इन द पोलन बैंक, ब्लड बैंक, ब्लड बैंक जैसा होता है पोलन बैंक, वहाँ पे किया जाता है। आ जाओ थोड़ा सा देखते हैं प्रिजर्वेशन वियबिलिटी को। ये जो फंक्शनल टाइम पीरियड है ना, जिसको हम लोग पोलन वियबिलिटी बोलते हैं, फंक्शनल टाइम पीरियड कितना लंबा होगा, कम होगा, एवरेज होगा, यह डिपेंड करता है फैक्टर पे, इंटरनल फैक्टर या फिर एक्सटर्नल फैक्टर पे। वियबिलिटी डिपेंड्स इंटरनल, जिसको हम लोग इंट्रांसिक फैक्टर बोलते हैं, या फिर एक्सटर्नल, एक्सट्रांजिक फैक्टर बोलते हैं। क्या क्या होता है इन चीज़ों को हम लोग देखते हैं वियबिलिटी। यहाँ से दोनों से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये क्रायो प्रिजर्वेशन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो टाइम पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन रिमेन फंक्शनल, है ना, इसके लिए फंक्शनल रहेगा, फैक्टर्स होंगे इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स, है ना, इंटरनल फैक्टर। इंटरनल को हम लोग इंट्रिंसिक फैक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर्स, है ना, ये जेनेटिक होता है, अंदर होगा तो ये जेनेटिक होगा, प्लांट फैक्टर होता है इंट्रिंसिक फैक्टर, इसी वजह से इसको बोलते हैं जेनेटिक फैक्टर। और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल या फिर एक्सट्रिंसिक फैक्टर। एक्सट्रिंसिक फैक्टर में टेम्परेचर ह्यूमिडिटी आता है। क्या क्या आता है? टेम्परेचर ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी आता है एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स में, एक्सटर्नल फैक्टर्स में। क्या क्या आता है? टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। यहाँ पे पोलन वियबिलिटी में कुछ एग्जांपल हम लोग देखेंगे, जैसे पोएसी फैमिली में वीट राइट है, 30 मिनट्स होता है, कितना होता है? 30 मिनट्स। लेकिन कुछ अदर फैमिली हैं जहाँ पे बहुत लंबा है ना, सेवरल मंथ ईयर तक होता है पोलन वियबिलिटी, पोलन फंक्शनल आता है। कहीं पे भी लैंड करेगा अपने ही फैमिली प्लांट्स में, तो वहाँ पे जर्मिनेशन करेगा और फिर सीड का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे वीट राइट राइस, वीट और राइस, ये पोएसी फैमिली में आता है, पोएसी फैमिली, ये पोएसी फैमिली में आता है। इसकी पोलन वियबिलिटी जो होती है ये 30 मिनट्स का होता है, पोलन वियबिलिटी कितना होता है? 30 मिनट्स का होता है। यहीं पे सोलनेसी फैबेसी, सोलनेसी फैबेसी रोसकेसी में
ये फैमिली है, यहाँ पे सेवरल मंथ्स होता है, पोलन वियबिलिटी क्या होती है, सेवरल मंथ्स, सेवरल मंथ्स, यहाँ तक के ईयर तक भी होता है, सेवरल मंथ और ईयर, ये पोलन वियबिलिटी में याद रखेंगे। वीट राइट राइस जो कि पोएसी फैमिली है, ओनली 30 मिनट्स फंक्शनल रहेगा, कौन, पोलन ग्रेन, पोलन। लेकिन सोलानेसी फेवेसी और रोसकेसी सेवरल मंथ्स तक क्या होता है, पोलन वियबिलिटी होती है, फंक्शनल होता है। ओके, एडिशनल थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं इसी चीज़ को। पोलन जब फॉर्म्स होता है तो इस तरह से केलोज वाल से घिरा होता है, केलोज वाल से घिरा हुआ होता है, ये फ्री नहीं होता है आफ्टर मैच्योरिटी, इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड पोलन। क्या बोलते हैं, कंपाउंड पोलन बोलते हैं। ये ड्रोसेरा में, डायमिस में, टाइफा वगैरह में दिखता है कंपाउंड पोलन। एग्जांपल ड्रोसेरा, दूसरा ड्रायमिस में, तीसरा यहाँ पे टाइफा वगैरह में दिखता है, टाइफा है ना, इलूडिया और जंकस, ये सब में दिखता है। यह सब में क्या दिखता है, कंपाउंड पोलन। कंपाउंड पोलन जब मैच्योरिटी में ये केलोस वाल डिजेनेट नहीं होता है तो ये एक साथ पोलन रहते हैं, उसको बोलते हैं कंपाउंड पोलन। कंपाउंड पोलन इस तरह से ये कंपाउंड पोलन इस तरह से पोलन एंथर एंथर को देख रहे हैं। एंथर में इस तरह से क्या होती है, स्पोरेंजियम होती है। कंपाउंड पोलन यहाँ पे इस तरह से मिक्सअप रहता है, फ्री नहीं हो पाती है, इसको बोलते हैं कंपाउंड पोलन, पोलन मास। अब कुछ पोलन इस तरह से जो स्पोरेंजिया में रहता है एक साथ रहता है और इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, और यहाँ जाके इस तरह से सोलन मास एक साथ अटैच हो जाता है ना, ये पोलन मास है। इस तरह से कंपाउंड पोलन है, पोलन का मास है, पोलन ज्वाइंट रहता है, यहाँ पे फ्री नहीं हो पाता है। पोलन एक साथ रहता है, इसको बोलते हैं पोलिनियम। क्या बोलते हैं, पोलिनियम, मास ऑफ पोलन, पोलिनियम बोलते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे, केलोट्रोपिस, एग्जाम्पल में केलोट्रोपिस आ जाएगा, ऑर्चिड आ जाएगा, केलोट्रोपिस ऑर्चिड है ना, ऑर्चिड भी बोलते हैं इसको, ऑर्चिड। तो ये यहाँ पे इस तरह से पोलन मास एक साथ रहता है, कंपाउंड पोलन, फ्री नहीं हो पाता है।
उसको बोलते हैं हम लोग। तो ये जो कंपाउंड पोलन है इस तरह से एक साथ रहते हैं, इसमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को इसको हम लोग क्या बोलते हैं, काउडिकल्स बोलते हैं। ये पोलन मास हो गया एक, एक दूसरा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है काउडिकल्स, क्या बोलते हैं उसको, काउडिकल्स। और यहाँ पे बेस में इस तरह से स्ट्रक्चर होती है, कॉर्पस्कुलम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कॉर्पस्कुलम। कॉर्पस्कुलम तीसरा स्ट्रक्चर है ना, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीन स्ट्रक्चर यहाँ पे नज़र आता है कंपाउंड पोलन में। ये प्रेजेंट रहता है 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3, ये प्रेजेंट रहता है ट्रांसलेटर में, क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इन ट्रांसलेटर। तो एक साथ बोलते हैं ट्रांसलेटर। ये बहुत ज़्यादा हेवी होता है, पोलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू इसका होता है, कंपाउंड पोलन है, हेवी तो होगा ही, वेरी हैवी। ये ट्रांसलेटर जो होता है ये हैवी होता है, वेरी हैवी क्या बोलेंगे, इज वेरी हैवी। जिसके वजह से इसका पोलिनेशन जो होता है इंसेक्ट के थ्रू होता है, किसके थ्रू होता है, पोलिनेशन थ्रू इंसेक्ट, किसके थ्रू होता है, इंसेक्ट के थ्रू होता है। यहाँ पे मैकेनिज्म काम करता है ना, ट्रांसलेटर मैकेनिज्म, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर मैकेनिज्म या फिर क्लिप मैकेनिज्म, किसके थ्रू होता है, इंसेक्ट के थ्रू होता है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटर मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म को जिसमें हेवी पोलन एंथर टू स्टिग्मा ट्रांसफ़र करता है इंसेक्ट के थ्रू, किसके थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू, उसको क्या बोला जाता है, उस मैकेनिज्म को क्या बोला जाता है, मैकेनिज्म को बोला जाता है ट्रांसलेटर मैकेनिज्म। ट्रांसलेटर मैकेनिज्म या फिर इसको बोलते हैं क्लिप मैकेनिज्म। इसको बोलते हैं क्लिप मैकेनिज्म, याद रखना है। इंसेक्ट के थ्रू हैवी पोलन का ट्रांसफ़र होगा, पोलिनेशन होगा थ्रू मैकेनिज्म ट्रांसलेटर या फिर क्लिप मैकेनिज्म। ओके, यहाँ पे हैवी पोलन ये एंथर का पार्ट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास पोलन, मास पोलन को एक साथ क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर का कभी कभी पोलिनेशन होता है ना, पूरा पोलन ट्रांसफ़र होता है स्टिग्मा सरफेस में, जिसको गाइनोसियम बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, गाइनोस्टीडियम, क्या बोलते हैं इसको, गाइनोस्टीडियम, गाइनोस्टीडियम एंथर का गाइनोसियम के साथ, दैट मीन्स ट्रांसलेटर का एंथर के साथ अटैचमेंट होता है, गाइनोसियम के, एंथर का गाइनोसियम के साथ अटैच होता है। एंथर किस पोजीशन में होता है, ट्रांसलेटर पोजीशन में है ना, एंथर प्लस गाइनोसियम। और ये जो एंथर होती है ट्रांसलेटर फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्ट्रक्चर, पोलन मास, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, काउडिकल्स एंड देन बेस, सोलन बेस, कॉर्पस्कुलम, तीनों एक साथ जब लेड करता है स्टिग्मा में, गाइनोसियम में है ना, तो उस उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गाइनोस्टीडियम, क्या बोलते हैं, गाइनोस्टीडियम, गाइनोस्टीजियम, गाइनोस्टीजियम है ना। ये किस फॉर्म में है, ट्रांसलेटर फॉर्म में। ट्रांसलेटर फॉर्म में इस तरह से
एक फैमिली है, सिपरेसी फैमिली, चार पोलेन होता है प्रोड्यूस, फैमिली है सिपरेसी फैमिली, सिपरेसी, इस सेपरेसी फैमिली में फोर पोलेन प्रोड्यूस होता है और ये फोर पोलेन में वन पोलेन एग्जिस्ट करता है, वन परसिस्ट, थ्री डिजेनेट हो जाता है। इस तरह से यहाँ पे फोर पोलेन में वन सर्वाइव करता है, परसिस्ट करता है और थ्री डिजेनेट कर जाता है। इस तरह से थ्री क्या होती है, डिजेनेट कर जाती है। कौन सी फैमिली में होती है, सिप्रेसी फैमिली में, याद रखेंगे। सिप्रेसी फैमिली फोर पोलेन प्रोड्यूस करता है और इस तरह से एक परसिस्ट करता है, तीन डिजेनेट हो जाता है। ओके, थैंक यू।